Hello and welcome dear students to yet another session on Unacademy JEE channel and you are watching JEE live daily aur kafi sare bacche already jud chuke hain kyunki aaj ka topic bahut hi interesting hai. All right, kafi bachcho ko isme dikkat aati hai lekin main chahta hu ki ye topic aap acche se samajh lo. Isse simple topic nahi ho sakta hai, theek hai? Graphical transformation aur maza bhi bahut aane wala hai ye topic samajhne mein. All right, chalo to kaun kaun aa gaya hai. All right, Abhishek, Namrata. All right, hello बच्चों, हर्षदीप. All right, हर्षदीप. All right, तो देखते हैं आपको समझ में आ रहा है क्या पूरा टॉपिक ये है आज के लेक्चर के बाद. All right, विवेक, नीरज, वेलकम टू द सेशन. All right, चलो बच्चों, तो काफ़ी सारे ज्वाइन कर गए हैं. तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई एम समीर चिंचोलीकर. आई हैव डन माई बी टेक एंड एम टेक फ्रॉम आई आई टी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आई आई टी जेईई. All right, तो काफ़ी सारे बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. All right, और काफ़ी सारे बच्चे नए डेली ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिस इन्फॉर्मेशन वॉज जस्ट फॉर देम. ऑल राइट, चलो तो एक जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर से बता देता हूँ. यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, तो आप ऑर्डर भी पहले से देख के रख सकते हो कि इस वीक में क्या क्या क्लासेस आप देख पाओगे. ऑल राइट, तो आज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर वन है. हम फिर कल फिर से मिलेंगे ऑन द सेम टॉपिक और कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे जो आज की क्लास में रह जाएंगे. ऑल राइट, उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि वैसे तो इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाह रहा था लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, लेकिन वो जो है अगर लेंथ में स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा टीडीएस लगता है. बीच में से एक फन टॉपिक कर लेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर हम वापस आ जाएंगे कैलकुलस के ऊपर. ऑल राइट, ऑल राइट. अक्षय, यहां पर पढ़ाई पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स बाद में होती रहेगी. ऑल राइट, और इलेवंथ की क्लासेस अलग से चल रही हैं ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, जहां पर अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है. ऑल राइट, तो किसी बच्चे को अगर उसमें भी डाउट है तो वो साथ में साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस अटेंड कर सकता है. इनिशियल ऑफ द वीक में इलेवंथ की क्लासेस होती है और अभी वीकेंड के साइड आपकी ट्वेल्थ की क्लासेस हो रही हैं. ऑल राइट, एंड अगेन दैट देर इज अ बिग अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 9th में विथ इवॉल्व बैच. इवॉल्व बैच क्या है? अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर हम तीनों टीचर्स का जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पढ़ाते हैं उनका बैच है जो आप सब बच्चों को वहाँ भी पढ़ाने के लिए मौजूद है. ऑल राइट, तो unacademy.com/plus पर आप इस कोर्स को देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइज टू जस्ट गो एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड देन डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल और नॉट. डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और मैं जानता हूँ कि आप एनरोल भी करोगे. आज दो लेक्चर्स हो चुके हैं 9th और 10th में और काफी सारे YouTube के स्टूडेंट्स वहां पर हमसे मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है उन स्टूडेंट्स से फिर से बात करके. ऑल राइट, चलो तो आई होप यहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी प्लस में एनरोल्ड हैं. ऑल राइट, चलो तो कोई बात नहीं, कैलकुलस पे हम फिर से आ जाएंगे. ठीक है नितेश, कैलकुलस तो बेटर है ही, लेकिन हम बीच में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का एक टॉपिक ले रहे हैं ताकि जो ट्वेल्थ का बेसिक फ्लो है वो भी मेंटेन रहे. ऑलराइट, तो इवॉल्व बैच, लुक फॉर इट ऑन द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस. एंड जो 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए इमर्ज बैच स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है वेरी सून ऑन 13th of May. राइट, दैट इज मंडे. ऑल राइट, सो कोई 11th का अगर बच्चा है तो ही कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच. और जो बेसिकली बच्चे अभी एडवांस देने वाले हैं उनके लिए तो ऑनगोइंग कोर्स है ही, इसके बारे में हम आपको काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू क्रैक जेई एडवांस. ऑल राइट, सो दीज थ्री कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग. एंड नमो सर, यस आशुतोष, आशुतोष, नमो सर इज ऑलरेडी टेकिंग अनादर बैच एंड अनादर सब्जेक्ट एंड दैट वुड बी ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो. ऑल राइट, चलो तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं देन बहुत बढ़िया बात है. अगर आप रिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर ज्वाइन होना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो सब्सक्रिप्शन पेज पर आप अगर JEE लाइव कोड यूज़ करोगे तो इससे पता चलेगा हमें कि यू आर देयर फॉर अस एंड दैट वुड बी रियली बूस्टिंग एंड मॉरल बूस्टिंग थिंग फॉर अस, कि बच्चे हमारे लिए उस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो हम उनके साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे ठीक से. ऑल राइट, प्लस इसका प्लेटफॉर्म का, इसका कोड का बेनिफिट क्या है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. ऑल राइट बच्चों, तो लेट्स होप टू सी यू ऑल देयर ऑल्सो. लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. यूट्यूब पर भी पूरा कंटेंट कवर हो रहा है. ऑल राइट, लेकिन प्लस के एडवांटेज शायद नमो सर और पारस सर कल के लेक्चर में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं. ऑल राइट, बट हम यहां पर भी कुछ कसर छोड़ेंगे नहीं. ऑल राइट, यहां पर भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है, जो टेस्ट है, जो एक्स्ट्रा डाउट डिस्कशन है, उसके लिए प्लस प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि जरूरी है. ऑल राइट, चलो तो सर, डू यू हैव अ लेक्चर ऑन लिमिट्स?
डू यू हैव अ लेक्चर ऑन लिमिट्स? हाँ बच्चे है, वो है पाइपलाइन में, आगे लिमिट्स का भी नंबर आएगा, है ना. आई थिंक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग लिमिट्स ओनली. ठीक है, ऑलराइट. तो होमवर्क डिस्कशन करते हैं. ये एक्चुअली ITF का लेक्चर 4 का डिस्कशन है. लेक्चर 5 में हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ. वेलकम सुमन. ऑलराइट. अच्छा आप पूछ रहे हो कि 2015 में ही आपने अगर क्लियर कर दिया था JEE मेंस, सॉरी क्लियर कर लिया था आपने कुछ तो 12th, तो आप फिर से JEE मेंस दे सकते हो क्या? आई थिंक एज रिस्ट्रिक्शन कुछ तो है, सो प्लीज़ टेक इट ऑन JEE मेंस वेबसाइट, है ना. एक दो साल का कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आई थिंक यू विल हैव टू चेक दैट, है ना. काफ़ी टाइम हो गया 2015, मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई. ऑलराइट, चलो. तो होमवर्क क्या था बच्चों? ये था कि यहाँ पर ABCD में से क्या आंसर आएगा. आपको चाहिए था कि साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू के बराबर किस एक्स के लिए आएगा, है ना. तो ये क्वेश्चन किया था किसी ने? ऑलराइट, ये क्वेश्चन किया है किसी ने? याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? ABCD में से क्या आंसर आएगा इसका? हेलो सार्थक. हाँ अभिषेक, ड्रॉपर्स के लिए भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप 11th और 12th के बैचेस अलग अलग अटेंड कर सकते हो. ड्रॉपर्स और रिपीटर्स का बेसिक एम क्या होता है कि उन्होंने दोनों ही क्लासेस को एक ही ईयर में पढ़ने का टारगेट बनाया हुआ होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है वैसे ड्रॉपर्स के लिए, लेकिन दिस इज़ द डू ऑर डाई सिचुएशन फॉर रिपीटर्स एंड ड्रॉपर्स बैच, सो प्लीज़ गिव योर एवरीथिंग. ऑलराइट निकेश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपका अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो, है ना, आई विल ट्राई टू बी मोर प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज. ऑलराइट, चलो. हाँ तो शुभांगी, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन बचा था, है ना, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, हाँ तो बच्चे यहाँ पर आंसर बता पा रहे हैं हमें, ए और बी में कन्फ्यूजन है. बच्चों तो ए आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर बी है. लेट अस सी द सॉल्यूशन कि कैसे इसका आंसर बी आया है. ठीक है निकेश, सी भी नहीं है इसका आंसर. ऑलराइट, हाँ सुजल है. ऑलराइट, नवनीत ए नहीं है, है ना. देखे चलो इसका आंसर कैसे आया. तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वाली एक प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको. देखो दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई एम सजेस्टिंग. हमारा RHS क्या है बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 - x². तो यहाँ पर अगर आप x की प्लेस में साइन थीटा इमेजिन करो तो क्या हो जाएगा, 2 sin θ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - sin²θ, विच इज अंडर रूट ऑफ 1 - sin²θ इज cos θ. तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin θ cos θ. 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin 2θ होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन को कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा बोलता हूँ, है ना, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो नेवर स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन. डोंट स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन. लिखना है तो लिख लो क्योंकि फर्स्ट थॉट तो यही आएगा आपको, लेकिन स्टार्ट विद दिस. ठीक है, उसको चेंज करके साइन थीटा इक्वल टू एक्स आया है ऐसा आप लिख लेना अगले स्टेप में. ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन लेते हो इनवर्स वाला तो आपको थीटा का रेंज क्या है वो अच्छे से लिखते आता है. थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, तो अब आपका RHS जैसे चेंज होने वाला है वो तो समझ में आ रहा है सबको. जैसे ही मैं साइन थीटा डालूंगा एक्स की प्लेस में तो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ. क्लियर है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ यहां पर मैंने बना लिया है, है ना. क्या बोला था मैंने, ग्राफ याद करना ITF में बहुत ज़रूरी है, तो आई होप आपने सारे ग्राफ याद कर लिए हैं. ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे बच्चों कि आपको यहाँ तक तो एक्सप्रेशन आ ही गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ. क्लियर है, और आपको पहुँचना कहाँ तक है, आपको पहुँचना है 2 sin inverse x तक. अब साइन इनवर्स एक्स का नाम अगर थीटा है मतलब आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको 2θ तक पहुँचना है. आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली 2θ के बराबर कब आएगा. तो इसका मतलब क्या है, जो इनपुट है 2θ वही आपको आउटपुट भी चाहिए, एग्जैक्टली वही आउटपुट भी चाहिए. मतलब ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, y इक्वल टू x होना चाहिए. तो y इक्वल टू x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में हो रहा है. क्लियर है, y इक्वल टू x वाली लाइन दिख रही है सबको. तो ये -π/2 से π/2 के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा इनपुट होना चाहिए. तो हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट तो 2θ है, तो 2θ जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए. और इसीलिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, डिवाइड कर दो पूरे को 2 से तो -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए. और अगर थीटा यहाँ से यहाँ तक है, थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स अगर आपको -π/4 से π/4 के बीच में चाहिए तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा स्टूडेंट्स, -1/√2 से लेके 1/√2 तक. ठीक है, सो दैट गिव्स यू आंसर बी. ठीक है, आई सबको समझ में बात.
यस ऑल राइट. अच्छा प्लस बैच के टाइम क्या है? आई थिंक ये आप खुद ही एक्सप्लोर करो वैसे तो, है ना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बैचेस चल रही हैं. लेकिन जो हमारी टीम की बैच है दैट इज़ रनिंग फ्रॉम 4 to 7:30. यस, है ना. सो इट इज़ इन द ऑर्डर फॉर 12th. ओके, फॉर 12th इट इज़ फ्रॉम 4 to 7:30 इन द ऑर्डर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ऑल राइट, सो 6:30 to 7:30 मेरी क्लास रहेगी. ऑल राइट, तो आई थिंक दैट क्वेरी इज सॉल्व. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच निकेश. आई होप आज का लेक्चर भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं कहाँ पर, आज के मेन टॉपिक पर, विच इज़ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगता है और उनको आता भी है सॉल्व करते, क्लियर है, और तब भी उनको मज़ा आएगा आज के लेक्चर में. और कुछ बच्चे हैं जो डाउटफुल रहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है, तो उन्होंने तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना ही चाहिए. डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते आ जाएगा, ठीक है. क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते आ जाएगा. ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ बनाते आ जाएगा. ग्राफ तो आपको आना चाहिए बनाते, तब तो उसको ट्रांसफॉर्म करोगे. समझो इस बात को, आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूँ मैं इस क्लास में. लेकिन अगर आपको ग्राफ ही नहीं बनाते आता, अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही नहीं बनाते आता, तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं आता है, अगर आपको y इक्वल टू मॉड एक्स नहीं आता है, अगर आपको y इक्वल टू e की पावर एक्स नहीं आता है, तो ये तो बेसिक ग्राफ्स हैं. पहले आपको ये सब ग्राफ्स पता होना चाहिए, तब आप उनको ट्रांसफॉर्म करने की सोच सकते हो यूजिंग द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ऑल राइट, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट जो बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शंस चैप्टर हमने बहुत दिनों तक पढ़ा है, ठीक है. उसके बाद हमने फंक्शंस एक्चुअली 11th में भी कवर किया है, जहाँ पे हमने लॉग और मॉडुलस फिर से डिटेल में पढ़ा था. वो सब इसीलिए किया था ताकि आपको बेसिक फंक्शंस में दिक्कत ना आए. तो अभी भी अगर किसी ने स्टूडेंट्स ने फंक्शंस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देख लो, क्लियर है, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक फंक्शंस एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स, ई की पावर एक्स, एल एन एक्स, है ना, ये सब जो बेसिक एक्स क्यूब, ये सब जो बेसिक फंक्शन से इनके ग्राफ बनाते आना चाहिए, तो हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. वैसे इंपॉर्टेंट एक और कौन सा होता है फंक्शन हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके ग्राफ बनाते आना चाहिए. जस्ट हमने क्या कंप्लीट किया है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट किया है, तो उनके ग्राफ तो मैंने याद करने के लिए आपको ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है. ऑल राइट, तो लेट अस स्टार्ट. जेई मेन स्पेसिफिक बुक कुंज, आई थिंक यू आर जस्ट जॉइनिंग अस. हम काफ़ी बार ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं, है ना, तो जस्ट गो बैक टू अ वीडियो वेयर ऑल थ्री टीचर्स हैव सजेस्टेड स्पेसिफिक बुक्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. दैट विल बी अ रियली ग्रेट हेल्पफुल वीडियो फॉर यू. ऑल राइट, चलो, तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं बच्चों क्या है. वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस माइनस ए, है ना. आपको क्या आना चाहिए लेकिन इसमें बनाते हैं? आपको पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए बनाते, तब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए आप क्या बनाओगे, तो आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बना सकते हो, ठीक है. और यहां पर क्या याद रखना है, हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है. वो स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपका ग्राफ हमेशा बनते रहेगा, ठीक है. ऑल राइट, तो क्या हुए, क्या बोला स्टेटमेंट यहां पर? शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन बाय ए यूनिट्स, क्लियर है. तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? अगर फील लेनी है एक्चुअली कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला है मैंने, तो आपको खुद को y के प्लेस में इमेजिन करके देखना होगा, ठीक है. क्या सोचो कि y इक्वल टू एफ एक्स तो आपको पता ही था, ठीक है. लेट अस से y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो पता है सबको, ठीक है. तो मैं पहले तो साइन एक्स सोचता हूँ कि साइन एक्स कैसा होगा. तो साइन एक्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है. अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप बना के बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, तो अब मैं सोचता हूं कि अब क्या कर सकता हूं. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके जैसा लग रहा है? प्लस a जैसा लग रहा है, क्लियर है. तो अब आपको y के प्लेस में आके सोचना रहेगा बच्चों, ठीक है, कि y के प्लेस में आके सोचो. तो साइन एक्स में x अगर मैंने जीरो डाला, तो साइन एक्स तो अभी भी जीरो ही क्रिएट कर रहा है, जैसे यहां कर रहा था. लेकिन क्योंकि साथ में वन लिखा हुआ है, इसलिए y को ऐसा लगा जैसे कि मुझे क्या मिला है, LHS ने मुझे क्या दिया, LHS ने मुझे वन दिया. तो वो तो वन बना देगा आउटपुट, कब? जब आपने जीरो बनाया, है ना. समझते जाओ इस बात को. एक भी बार अगर हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया कि समझना कैसा होता है बातों को, तो फिर आगे वाले सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है. तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, मैंने लिया जीरो इनपुट, तो साइन ने तो जीरो ही बनाया, लेकिन क्योंकि प्लस वन था इसलिए वाई को प्लस वन मिला. जब मैंने डाला पाई बाई टू, तो साइन ने तो वन ही बनाया, लेकिन साथ में वन था इसलिए अब एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया टू पाई बाई टू पे, ठीक है. जब पाई डाला, तो साइन पाई तो जीरो ही बना रहा है आज भी, लेकिन प्लस वन की वजह से ओवरऑल वाई को कितना मिला, वन मिला,
ठीक है, यही कहानी आगे प्रोसीड करो। अगर आपको 3π/2 बोलता हूँ मैं तो साइन 3π/2 तो माइनस वन ही होने वाला है, लेकिन प्लस वन होने की वजह से कितना हो गया है, वो जीरो हो गया है, ठीक है। और इसी तरह से 2π में फिर से कितना आएगा आपके पास, आउटपुट वाई का 1 आएगा, क्लियर है। तो अगर आप अभी ट्रेस करोगे इस ग्राफ को तो ये इस तरह से ट्रेस हो रहा है, क्लियर है। तो अब क्या बोल सकते हो आप कि इस ग्राफ ने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एडॉप्ट किया है, ये जीरो है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है सबको कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये 1 यूनिट ऊपर जा चुका है, यस। कहां पर? 0 से π/2 वाला ग्राफ नोटिस करो, पूरा का पूरा ग्राफ वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, 1 यूनिट से ऊपर चला गया। ऑलराइट, अच्छा प्रीतम फोरियर सीरीज पढ़ना चाह रहे हो, यहाँ हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं है वैसे वो, ठीक है, इसका डिस्कशन अलग से कभी मिलोगे तो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, बिल्कुल सही कि यहाँ पर मैंने 1 यूनिट से क्यों स्टेप अप किया, क्योंकि मैंने +1 लिखा था। अगर +a लिखा हुआ होगा तो क्या करोगे, a यूनिट से ऊपर कर लेना। अगर -1 लिखा होता तो क्या होता, a यूनिट से नीचे चले जाता। आ रही बात समझ में? तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा, इसलिए पहले तो ये बनाते आना चाहिए। अगर आपको fx बनाते आ रहा है तो आप आज के लेक्चर के बाद fx+-a भी बनाना जान गए हो, ठीक है। क्या करना है, a यूनिट से या तो ऊपर शिफ्ट करना है प्लस a है तो, या फिर माइनस a है तो a यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, सबको पता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला होता है। अब अगर मैं इसके अंदर +1 कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए 1 यूनिट से। एक्स स्क्वायर +1, 1 यूनिट सब जगह से, कहीं पर भी आप नोटिस करो ये 1 यूनिट ऊपर है, ठीक है। ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपने +1 किया हुआ था। ये जी एक्स का ग्राफ है, और जी एक्स क्या है यहाँ पे, fx+1 है, क्लियर है, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, fx है। तो gx जो मैंने बनाया है दैट इज एक्चुअली fx+1, है कि नहीं। और hx क्या है, hx इज एक्चुअली fx-1। तो मतलब क्या होना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है, हर पॉइंट लेके देखने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पीछे देखा था। एक्चुअली क्या करना है आपको, बस अभी 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना है और आपको x²-1 का भी ग्राफ दिख जाएगा। ऑलराइट, यस भास्कर, आ रही बातें समझ में, बिल्कुल ईजी लग रहा है सब कुछ। ऑल राइट आमिर, अथर्व, ऑल राइट अथर्व, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस बुक, यस। आर डी शर्मा भी आप पढ़ सकते हो। ऑल राइट, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो एनालाइज करो। इसके पहले वाला जो था वो था fx+-a, ये क्या है, f(x+-a), ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इनपुट में चेंजेस कर रहे हैं, तो अब आउटपुट कैसा होगा ऐसा हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है, शिफ्ट लेफ्ट और राइट बाय ए यूनिट्स, ठीक है। ये सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में, इनको डाउनलोड करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो करना क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम, कि अगर मेरे पास लेट अस से y=mod x है, तो मॉड एक्स बनाते आता है सबको, क्लियर। तो मॉड एक्स कैसा होता है, ऐसे कुछ वी जैसा होता है। तो अब अगर मैं इसके साथ बनाना चाह रहा हूं ट्रांसफॉर्म करके y=mod x+1, देन इट विल लाई इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। आई बात समझ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि y=2 जो लिखा हुआ है उसमें मॉड के अंदर +1 हो गया, क्लियर है। अब फिर से सोचो, है ना, ये एग्जैक्टली नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, अगर आपको फील आ गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन सोचते कैसे हैं, क्लियर है। तो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने 0 डाला इसके अंदर तो भी एक्चुअली तो मॉड को क्या मिला, 1। तो मतलब y को ऐसा लगेगा जैसे आप ऑलरेडी 1 इनपुट कर रहे हो उसके अंदर, तो उसको तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो 1 पे उसको मिलती थी वही वैल्यू मिलेगी। अगर आपने इसके अंदर -1 डाला तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कि 0 मिला उसको, क्लियर है। तो यहां पर 0 पे लोअर मोस्ट पॉइंट आ रहा था, जबकि अगर आपने +1 कर दिया तो लोअर मोस्ट पॉइंट कहां चला जाएगा आपका, -1 पे चला जाएगा, क्योंकि जब -1 डालोगे तब मॉड को 0 मिलेगा, क्लियर है।
और बाकी पूरी कहानी तो ऑलमोस्ट वैसी ही रहने वाली है। अगर आप देखोगे तो फिर ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, नेचर चेंज नहीं होगा ग्राफ का, क्लियर है। यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ये नहीं सोचना है कि ये कर्व तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्या हो रहा है, केवल शिफ्टिंग हो रही है। इस बार शिफ्टिंग कैसी हो रही है, या तो लेफ्ट में हो रही है या फिर राइट में हो रही है बाय ए यूनिट्स। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो, लास्ट वाले में जब प्लस वन किया था तो ऊपर गया था, माइनस वन किया था तो नीचे गया था, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, मैंने अगर प्लस वन किया है तो ग्राफ एक्चुअली लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। कहाँ शिफ्ट हुआ है ग्राफ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो एक्चुअली अगर आपने कुछ क्वांटिटी प्लस डाली है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आपने कोई प्लस क्वांटिटी डाली है, तो ग्राफ को एक्चुअली आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बच्चों को, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, राइट में नहीं शिफ्ट करना होता है, क्योंकि फंक्शन को क्या लगेगा, जीरो तो अब बना, जीरो कब बना, माइनस वन डालने पर बना, इसीलिए ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हम पीछे की साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा। अगर मैं इंस्टेड अगर ये बोला था y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड, एक्स माइनस वन का मॉड, तो फिर यही ग्राफ में कहाँ शिफ्ट कर देता, ये ग्राफ वन यूनिट राइट में शिफ्ट कर देता मैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी आ रही है समझ में सबको, ऑल राइट, चलो ऐसे ही समझते जाएंगे और आगे क्वेश्चन भी हो जाएंगे इनके, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सेम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। एग्री कर रहे हैं सब, यस yes? अगर ये एफ एक्स है तो, अगर ये एफ एक्स है तो एक्स के प्लेस में एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस वन है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सबको याद है, ऐसे कुछ होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट। ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अब अगर मैं सोच रहा हूं कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर में क्या होगा, तो जब यहां पर मैं माइनस वन डालूंगा तो उसको लगेगा कि जीरो वाला आउटपुट देना है, ठीक है। इसलिए जीरो वाला आउटपुट एक्चुअली कहां दिखेगा आपको, यहां दिखेगा माइनस वन पे, क्लियर। तो उसका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, आ रही समझ में बात आपको। तो ये हो गया ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया आपका x प्लस वन के होल स्क्वायर का, क्लियर। अब ऐसे ही अगर मैं x माइनस वन का होल स्क्वायर सोच रहा हूं, तो जब मैं वन डाल दूंगा तब उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है, जीरो वाला आउटपुट जनरेट हो रहा है अब। तो जीरो वाला आउटपुट जनरेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो पूरा होगा आपका पैराबोला राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो माइनस किया तो राइट है, जब प्लस किया तो लेफ्ट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट। तो देखते हैं वही आ रहा है क्या, बिल्कुल वही आ रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका ब्लैक वाला ग्राफ, विच इज स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। जी एक्स क्या हो गया आपका, पर्पल, है ना, विच इज लेफ्ट, एंड एक्स माइनस वन का स्क्वायर विच इज रेड वाला ग्राफ विच इज ऑन द राइट, ठीक है। माइनस किया तो फिर राइट में हो गया ग्राफ, ठीक है। दो आ गए हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझ में, एफ के बाहर प्लस माइनस ए किया है, या फिर एफ के अंदर एक्स के साथ प्लस माइनस ए किया है, ठीक है। या तो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं फर्स्ट वाले केस में, या फिर चीजें आगे पीछे हो रही हैं सेकंड वाले केस में, ठीक है, ऑलराइट। चलो और एक देखो, अगर आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स कितना होगा, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या याद रखना है आपको, सिंपल है बहुत ही, रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, रिफ्लेक्ट कर दो बस x एक्सिस के अबाउट। इमेज लेते आता है ना सबको, ऑलराइट। तो घुमा देना है 180 डिग्री से, तो आपका माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट अस से एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो याद है ही सबको, एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, ये तो हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाने जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर को तो पता ही नहीं है कि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, वो तो खुश है अपने में, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो आज भी वही वैल्यू जनरेट कर रहा है जो यहां कर रहा था, क्लियर है। लेकिन जब उसने वैल्यू जनरेट कर दी, तो वाई को मिलने के पहले क्या हो गया, एक माइनस लग गया उसके आगे, क्लियर है। तो ये जो वन पर वन बना रहा था, यहां पर भी वन ही बनाया उसने ब्रैकेट के अंदर, लेकिन उसके आगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए वाई ने क्या सोचा कि मुझे तो माइनस वन मिला है, तो उसने क्या बना दिया, उसने वन पे बना दिया माइनस वन, ठीक है। जब इसको मैं टू देता हूं तो ये फोर बनाता है, तो इसने भी टू पे फोर ही बनाया एक्स स्क्वायर ने, ठीक है। लेकिन उसके आगे क्योंकि माइनस लगा था, तो कितना हो गया, माइनस फोर हो गया, क्लियर है। तो जो जो चीजें ऊपर जा रही थी वो एक्चुअली अब नीचे आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। दोनों साइड सेम सिचुएशन होगी, माइनस वन पे वन, माइनस टू पे फोर की जगह अब क्या हो जाएगा,
माइनस वन एंड माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, जीरो पे जीरो रहने वाला है, मतलब आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, आया ये बात समझ में, क्या करना है आपको, ऊपर वाली चीज़ें नीचे कर देना है, नीचे वाली चीज़ें ऊपर कर देना है, ठीक है। ये ग्राफ अगर थोड़ा सा नीचे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे वाली चीज़ों को मैं ऊपर भेज देता, ठीक है। ऑल राइट, तो जैसे अगर मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, तो आपके पास अगर ई रेस टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, बढ़ते रहता है हमेशा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स कैसा बनेगा, ठीक है, माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स, ये हो गया आपका e रेस टू x का ग्राफ। तो माइनस ऑफ e रेस टू x के ग्राफ में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, कि पूरा का पूरा ग्राफ नीचे ले आओ, ठीक है, पूरा पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा माइनस ऑफ e रेस टू x, ठीक है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x क्यूब, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, x क्यूब का ग्राफ, ऑल दो बच्चों आपने पूछ लिया तो यहाँ बता देता हूँ मैं, है ना। तो x क्यूब तो बहुत ही सिंपल है, x क्यूब ऐसा होता है, पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब में आप ऊपर जाओगे और यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है, चाहो तो करके देख लो, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजुअली कैसा होता है, ऊपर नीचे दो बार करता है, लेकिन ये स्पेशल केस वाला है जहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डिस्कशन आता है। ये सारी बातें जो हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आज का टारगेट ये नहीं है कि आपको एक्स क्यूब ही नहीं पता। आज का टारगेट यह है कि अगर आपको x क्यूब पता है तो क्या आप x प्लस वन का क्यूब बना सकते हो क्या, आज वो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर में ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, अगर आपको पहले से ग्राफ आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्स स्क्वायर आता है तो ये कर पाओगे, एक्स स्क्वायर ही नहीं आता तो फिर मैं हेल्प अभी इस लेक्चर में तो नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। ऑलराइट, तो लॉग एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स के लिए भी बिल्कुल हम सिमिलर चीजें देखेंगे अभी बहुत ही जल्दी, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने क्या लिया है कि अगर एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, ठीक है, ये फिर से क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कैसी है, ये फैक्टराइज होके इसके रूट्स आएंगे ऐसी है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, मतलब इसके रूट्स क्या आने चाहिए, वन और थ्री आने चाहिए, क्लियर है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा फिर आपको, ऐसे कुछ दिखेगा जहाँ पर वन पर और थ्री पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्लियर है। अब अगर ये आपका एफ एक्स का ग्राफ है तो क्या आप जी एक्स का ग्राफ डायरेक्टली बना सकते हो क्या, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जी एक्स जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स ही है, ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स ही है, ठीक है। जी एक्स जो है यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, विच इज एक्चुअली माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर आपने ये नोटिस कर लिया तो आगे फिर से फैक्टराइज करके अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या सोचोगे ये जो भी है इसी को उल्टा कर देते हैं, हमारा ग्राफ आ जाएगा कौन सा वाला, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा अगर आप ग्राफ को उल्टा कर दोगे तो, रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर जी एक्स एंड दिस इज योर ग्राफ फॉर एफ एक्स, ठीक है, आई बात है समझ में। ऑल राइट, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, अरे बेटा लॉग एक्स तो बहुत ही फेमस फंक्शन है, लॉग एक्स तो पढ़ लिया है हमने, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो जो 11th का प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने फंक्शंस जो पढ़ा है उसके अंदर मॉडुलस और लॉग बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ये लॉग एक्स है बेस में ए, जब ए ग्रेटर देन वन है तो, ठीक है। और दूसरा ग्राफ होता है लॉग का ऐसा वाला, जब लॉग एक्स बेस में ए है वेयर ए इज लेस देन वन, है ना, और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका है, लॉग का ग्राफ है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वगैरह डिस्कशन बच्चों आएगा, ठीक है, बाद में आएगा, लेकिन अभी कॉनिक सेक्शंस स्टार्ट नहीं किया है हमने, तब आएगा। ऑलराइट, तो ये बात आ रही समझ में, क्या करना है आपको, ऊपर नीचे कर देना है तो आपको माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा बनाते, ठीक है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्या है, पहले माइनस हमने बाहर लगाया था, अब माइनस कहाँ लगा रहे हैं, एक्स के साथ एफ के अंदर माइनस लगा रहे हैं, क्लियर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स के अंदर माइनस लगा रहा हूं तो देखना है हमें कि चेंजेस कैसे होंगे, क्लियर है। तो इस बार क्या बोल रहा है वो, रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस। तो इसके लिए फिर से एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर मेरे पास ई रेस टू एक्स है, ठीक है, तो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो उसका बड़ी आसानी से बना सकते हो जस्ट बाय रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिनल ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो ई रेस टू एक्स कैसा होता है वो सुनो, ई रेस टू एक्स ऐसा होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रोथ वाला फंक्शन है. ऑल राइट, अब बताओ कि अगर आप माइनस सोच रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है, पहले ये सोचो. ठीक है, क्या हो रहा है पहले तो यहीं पर आ जाओ, फंक्शन के ऊपर बाद में जाना. एफ को अभी तक क्या लेने की आदत थी, एक्स. एफ को अभी तक एक्स लेने की आदत थी और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ तो आउटपुट जनरेट करते रहता है. ठीक है, जैसे ही मैंने खुद से एक माइनस लगा दिया तो अब जब मैं माइनस वन डालूंगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैंने प्लस वन डाला है. आई बात समझ में? जब मैं इसके अंदर माइनस वन डालूंगा तो एफ को अल्टीमेटली मिलेगा क्या, एफ को मिलेगा प्लस वन. तो प्लस वन पे जो आउटपुट जनरेट कर रहा था अब वो माइनस वन पे जनरेट कर देगा. ठीक है, तो यहां पर प्लस वन पे जो जनरेट कर रहा था आउटपुट वो अब माइनस वन पे जनरेट कर देगा. क्लियर है? और माइनस वन पे जो जनरेट कर रहा था वो अब प्लस वन पे जनरेट कर देगा. आ रही बात समझ में? मतलब इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर हो गई हैं. राइट, तो वाई एक्सिस के अबाउट चीजें कैसी हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और इसलिए हमारा ग्राफ y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है, एक हमने क्या किया है, इसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया है. आई बातें समझ में बच्चों? ऑल राइट, हाँ ऑल राइट, चलो देखते हैं. तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, प्रतीक इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल आपने कमेंट किया, आई डोंट नो कि ऊपर क्या चल रहा था आपका डिस्कशन, लेकिन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज लॉग फंक्शन एक्चुअली, है ना, दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल अलग होता है और इनवर्स अलग होता है. डोंट कन्फ्यूज रेसिप्रोकल विथ इनवर्स, दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल, ये वन अपॉन ई रेस टू एक्स है. लेकिन अगर आप इनवर्स पूछ रहे हो e की पावर x का, सो दैट बिकम्स एल एन एक्स. ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, ऑल राइट. इंटीग्रल और फ्रैक्शनल का ग्राफ सर कैसे बनाते हैं? हाँ अभिषेक, बिल्कुल, आज के लेक्चर में हम जहां तक पहुंच पाएंगे आई थिंक दैट इज मॉड्यूलस, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली ये करने वाले हैं. जिन बच्चों को अगर पता करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के मैं ग्राफ कैसे बनाऊं या फिर फ्रैक्शन पार्ट एक्स लगा के ग्राफ कैसे बनाऊं, तो कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. लेट अस सी, हम चार तक ही पहुंचे हैं, जल्दी से देखते हैं आगे और क्या क्या हमें आज डिस्कस करना है. ऑल राइट, मॉड्यूलस आज के लेक्चर में हो जाएगा बच्चों डिस्कस. ऑल राइट, तो यहां पर ये एग्जांपल लिया है मैंने एक. ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री जो पहले भी था. ठीक है, इसके रूट्स क्या आए थे बच्चों, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, मतलब वन और थ्री इसके रूट्स आए थे. अगर आप राइट साइड वाली इक्वेशन को देखोगे तो राइट साइड वाली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, तो इसके रूट्स क्या है एक्चुअली, माइनस वन एंड माइनस थ्री. तो पहले तो ये बताओ कि एफ एक्स और जी एक्स में क्या वही रिलेशन है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं? क्या आप f ऑफ माइनस x लिख के देखोगे तो ये आएगा क्या आपके पास, f ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, और 4 इंटू माइनस x तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और 3 तो 3 है. इसका मतलब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन gx के लिए क्या करना है मुझे, f ऑफ माइनस x वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो आप अगर डायरेक्टली भी ये बना पाते हो तो आपको पता है कि ये कैसा बनने वाला है, इसके रूट्स 1 और 3 हैं, तो ये तो ऐसा कुछ आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, ऐसा कुछ आ जाएगा क्योंकि इसके रूट्स 1 और 3 है, और ये ओरिजिनली क्या था, सॉरी माइनस 1 और माइनस 3 है, और ओरिजिनली इसके रूट्स कैसे थे, 1 और 3 थे, तो ये ऐसा होने वाला था. क्लियर है? तो क्या लग रहा है आपको ऐसा कि हमने क्या किया है, इधर की चीजें उधर कर दी हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऑल राइट, थोड़ा फेयर डायग्राम देख लो इसका क्या है. हमारे पास जो एफ एक्स है दैट इज वॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, 1 और 3 पे ये इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है. अब जब मैं जी एक्स का बनाने जाऊंगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स है. ऑल राइट, तो क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उसका, क्योंकि मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के अबाउट पूरा सब कुछ सिस्टम पकड़ के उसको रोटेट कर दिया अबाउट वाई एक्सिस, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर इमेज ले ली वाई एक्सिस में, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है, ये वाली चीज उठ के लेफ्ट में आ गई है. तो हाँ सुहेल, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे क्लास के लेक्चर के बाद में, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो. ऑल राइट, वाई एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है या फिर फ्लिप करना है या फिर इमेज लेना है, जैसा भी आप याद रखना चाहो याद कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज वाई इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स. तो यहां पर क्या स्टेटमेंट याद रखना है आपको, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हो सकता है दैट इज फॉर साइन एक्स.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड है ना, फिजिक्स में ये सब वर्ड यूज़ करते हो आप, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये सब वर्ड्स आप काफ़ी बार यूज़ करते हो ठीक है वेव्स पढ़ते समय। तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि अगर मैं साइन एक्स के आगे टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे क्या है ए मल्टीप्लाई करना है। अब ए डिपेंड करता है ना कि आपने कैसा नंबर लिया, ए आप एक वन से बड़ा नंबर भी ले सकते हो जैसे टू, या फिर आप एक वन से छोटा नंबर भी ले सकते हो जैसे वन बाय टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपको स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा या फिर कंप्रेस करने का मौका मिलेगा ग्राफ को, अबाउट क्या होगा लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट होगा सब कुछ, क्योंकि एक्स को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। साइन एक्स यहां पर एक्स पर जो वैल्यू जनरेट कर रहा था, साइन एक्स आज भी वही वैल्यू जनरेट करेगा, नेक्स्ट जी एक्स के लिए भी वो वही वैल्यू जनरेट करेगा जो एफ एक्स के लिए कर रहा था, लेकिन वो वैल्यू में फिर हम टू मल्टीप्लाई करके जी एक्स को दे रहे हैं, क्लियर है, इसलिए ग्राफ अलग बनेगा। ऑलराइट, चलो तो देखो यहां पे ध्यान से क्या बोलेंगे, यहां पे ये जो ग्राफ आया साइन एक्स का बनेगा कि नहीं, साइन एक्स का ऐसा कुछ ग्राफ होता है राइट, ये जीरो है, ये पाई है, पाई बाय टू पे इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है विच इज वन, मैक्सिमम पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों, वन पे जा रहा है इसका। अब मैं अगर टू साइन एक्स बनाऊंगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट टू टाइम्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऐसा लगेगा, ठीक है। तो पाई बाय टू पे क्या होने वाला है, टू होने वाला है, पाई बाय सिक्स पे क्या होने वाला है, वन होना है, पाई बाय सिक्स पे पहले क्या होता था, वन बाय टू होता था, तो अब पाई बाय सिक्स पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वैसे ही फाइव पाई बाय सिक्स पे क्या हो जाएगा, फिर से वन हो जाएगा, क्लियर है। मतलब थोड़ा सा ग्राफ ये ऊपर उठ के आएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया आएगा, ठीक है। ऑल राइट, क्या करना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ग्राफ का बढ़ाना है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये क्या बना, नेचर देखो बच्चों चेंज नहीं हो रहा ग्राफ का, आपके पास जो भी नेचर आ रहा है वो साइन एक्स जैसा ही है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया अबाउट वाई एक्सिस, स्ट्रेच हो गया, ऐसा लग रहा है कि खींच दिया, लेकिन इसके ये जो नोड्स हैं ये वही हैं, ठीक है, थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज है नोड्स और एंटी नोड्स, लेकिन आई थिंक आपको आ रही बात है समझ में, ठीक है, कि जो जीरो वाले पॉइंट्स थे वो जीरो ही रहेंगे ना, क्योंकि आपने साइन जीरो के अंदर टू मल्टीप्लाई भी कर दिया तो उसको कहाँ पता चला, साइन जीरो के अंदर टू भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो क्या है, जीरो ही है, ठीक है। साइन पाई के अंदर भी आपने टू मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो जीरो ही है, क्लियर है। तो जीरो वाले पॉइंट्स वहीं रहेंगे, मल्टीप्लाई करने से वो चेंज नहीं होते, लेकिन बाकी सारे वैल्यूज जो हैं नॉन जीरो की वो उतने टाइम्स हो जाती है जितने टाइम्स आपने आगे मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई थिंक आपका थॉट ऑलरेडी डेवलप हो गया है, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पिचक जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राफ एम्पलीट्यूड में कम हो जाएगा। तो यहां पर जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या है, ये आपका हाफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे साइन एक्स, टू साइन एक्स और हाफ ऑफ साइन एक्स के ग्राफ है। आई होप आई एम क्लियर एंड आपको बातें समझ में आ रही हैं कि आगे नंबर मल्टीप्लाई करने से कैसे चेंजेस करने होते हैं। ऑलराइट, हाँ, थर्ड हैव लोअर एम्पलीट्यूड देन बोथ ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ऑलराइट, इनवर्स तो बेटा हो गया ना राहुल, इनवर्स हमने ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी, इनवर्स का बस हमने एक क्वेश्चन बचा था होमवर्क का, वो डिस्कस किया है ना, पीछे जाके प्लेलिस्ट देखो जल्दी से, ठीक है। ऑलराइट, चलो ग्राफ तक आ चुके हैं हम, फंक्शंस पढ़ लिया है, इनवर्स पढ़ लिया है, ग्राफ तक आ गए हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक होगा, आगे वाला लिमिट टॉपिक होगा, ठीक है। ऑलराइट, पीछे का कोई टॉपिक छूटा है बच्चों तो आप देख सकते हो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है ना, क्योंकि जो भी सेशन हम यहाँ पे लाइव लेते हैं वो रिकॉर्ड भी हो जाता है आपके लिए फॉर लेटर व्यूइंग, क्लियर है। लेकिन बट इट इज स्टिल बेटर टू अटेंड द सेशन लाइव ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट क्या है, इसके पहले हमने ए कहाँ मल्टीप्लाई किया था, एफ के बाहर मल्टीप्लाई किया था, अब हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, है ना, तो फिर से ध्यान देना, यहाँ पर भी करना तो स्ट्रेच और कंप्रेस ही है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट करना रहेगा आपको, क्लियर है, एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करना रहेगा। और इसके लिए भी बेस्ट एग्जांपल जो है समझने वाला, दैट इज साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स के थ्रू समझते हैं इसको, हमारे पास अगर साइन एक्स का ग्राफ है और हम उसकी मदद से साइन टू एक्स बनाना चाहें या फिर साइन एक्स बाय टू बनाना चाहें, तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमने एक्स के साथ में नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको कैटेगरी समझ में आनी चाहिए पहले, तो ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी कैटेगरी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, चलो प्लेलिस्ट बेटा बनी हुई है, स्वागता मिश्रा, आप प्लीज़ जाके एक बार चैनल को ठीक से देखो, हमने सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो फिर ट्वेल्थ के वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो
हाँ विकी, सेट्स कब आएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेट्स लेकिन यहाँ क्यों आएगा? सेट्स तो 11th वाले बच्चे पूछेंगे ना, आप 11th में हो क्या विकी मिश्रा? है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। मेरे ख्याल से सेट्स जो है वो 11th के बच्चे डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैं करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन आप शायद 12th में हो तो आपको आता होगा आएगा इस पहले से, ठीक है? चलो इसको देखते हैं कि एफ ऑफ ए एक्स अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो लेकिन बच्चों पहले साइन एक्स का तो ग्राफ आपको पता होना ही चाहिए, है ना? ये वाली बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। अगर साइन एक्स का ही ग्राफ आपको नहीं पता है, जो ऐसा होता है, तो फिर आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो लास्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था उससे क्या चेंज हो रहा था बच्चों? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, है ना? वाई एक्सिस के अबाउट चेंजेस हो रहे थे, इस बार एक्स एक्सिस के अबाउट चेंजेस होने वाले हैं। इसका मतलब क्या चेंज होने वाला है? वेवलेंथ बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो, वेवलेंथ कम ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होगी, ऐसा आप समझ सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैंने 2x कर दिया है अंदर, तो ध्यान से सुनो कि साइन को क्या लग रहा है। अगर मैंने अभी x का वैल्यू पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन को ऐसा लगेगा जैसे उसको क्या मिला, उसको पाई मिला, ठीक है? अगर मैंने पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है इसलिए ये पूरा इनपुट क्या बन गया, पाई बन गया, तो साइन तो पाई वाला वैल्यू रिटर्न करेगा ना। इसका क्या मतलब है कि पाई बाय 2 पर वो जीरो हो जाएगा, साइन 2x का ग्राफ पाई बाय 2 पे जीरो हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैंने पाई बाय 4 किया होता, अगर मैंने पाई बाय 4 इनपुट दिया होता, तो साइन को ऐसा लगता है कि पाई बाय 2 आ चुका है, उसके पास पाई बाय 2 आ चुका है, तो वो जल्दी से 1 रिटर्न कर देगा, क्लियर है? तो ऐसा लग रहा है उसको कि चीजें जल्दी आ रही हैं, जबकि हम तो अपने स्पीड से दे रहे हैं, ठीक है? हमने तो उसको दिया क्या, पाई बाय 4, उसको लगा कि पाई बाय 2, तो उसने 1 बता दिया पाई बाय 4 पे, क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इसके अंदर पाई डालूंगा तो उसको लगेगा कि 2 पाई डल चुका है, तो 2 पाई पे जो वो एक साइकिल कंप्लीट करता था, अब वो पाई पर ही कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? ग्राफ कैसा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और इस तरह से कुछ समझ में आना चाहिए आपका ग्राफ जो बनने वाला है, ठीक है? आधी हो गई उसकी वेवलेंथ, आधी हो गई फ्रीक्वेंसी, कैसी हो गई, डबल हो गई फ्रीक्वेंसी, डबल हो गई। आ रही बातें समझ में सबको? क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो जीरो से पाई में ही कंप्लीट हो गया, अगर आपने साइन 2x बना दिया है तो अब इसका रेसिप्रोकल, सो इसका जो नेक्स्ट केस समझ में आ रहा है सबको, अगर मैंने x बाय 2 कर दिया, तो उसको लगेगा कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे जा रही हैं, उसको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे मिल रही हैं, क्योंकि जब मैं इसके अंदर पाई बाय 2 डाल चुका होऊंगा, तो उसको लगेगा कि अभी तो पाई बाय 4 ही आया है, जब मैं इसके अंदर पाई डाल चुका होऊंगा, तब उसको लगेगा कि अभी तो पाई बाय 2 आया है, तो पाई पर ये क्या देगा, 1 देगा आपको, क्लियर है? तो पाई पर आके 1 देगा, मतलब ऐसा लंबा सा ग्राफ बनने वाला है इसका, ठीक है? पाई पे आके 1 दिया, फिर 2 पाई पे आके फिर से पहली बार वो 0 हुआ, क्लियर है? तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, वेवलेंथ डबल हो गया है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है, ठीक है? ऐसा आप बोल सकते हो कि नहीं? आ रही बातें समझ में सबको? तो यहां पर भी उल्टा है, जैसे मैंने प्लस एक्स प्लस 1 अगर अंदर किया था तो बोला था, है ना, प्लस 1 वाला एग्जांपल याद है, हमने क्या बोला था कि अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बनाना है, तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक्चुअली लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, तो प्लस देख के राइट मत कर देना, प्लस है लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है? वैसे ही इंटू 2 देख के, इंटू 2 देख के वेवलेंथ बढ़ा मत देना, वेवलेंथ एक्चुअली उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? ऑलराइट, तो एक और ग्राफ दिखाता हूं मैं साइन ऑफ एक्स बाय 2 का, वो रेड वाला ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों आपका, ये रेड वाला ग्राफ आपका साइन एक्स बाय 2 है, जो काफी स्ट्रेच हो गया है अबाउट एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेच कब होगा, जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेच होगा, और अगर कोई नंबर 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेस होगा, ठीक है? ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। ऑलराइट, चलो, तो आई थिंक ये समझ में आया सबको, काफी इंटरेस्टिंग सा चेंजेस हो रहे हैं साइन एक्स के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली है तो कैसा, साइनोसुडल ही है ना? मतलब बेसिक नेचर चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि एकदम से क्वाड्रेटिक बन गया बस मल्टीप्लाई करने से, ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक काम करता है हमारे लिए, ठीक है? ऑलराइट, तो काफी सारे हमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूलस, ठीक है? ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी समझना कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए फिर से सोचो, स्टेटमेंट तो पढ़ लेंगे हम बाद में, ठीक है? करना क्या है वो वहां लिखा हुआ है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा वो सुनो कि क्या होता है, मॉड करता क्या है,
मॉड बेसिकली ये करता है कि अगर उसको निगेटिव मिला, अगर उसको निगेटिव मिला तो वो उसको पॉजिटिव करता है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव ही मिल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही वैल्यू वापस हमें दे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स नेगेटिव होता है, अगर एफ एक्स नेगेटिव होता है तो अब मॉड लगने की वजह से वो नेगेटिव पोर्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर एफ एक्स आपका पहले से ही पॉजिटिव है, अगर वाई आपका पहले से ही पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट ओनली द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस। पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है, पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, और किसके अबाउट करना है, एक्स एक्सिस के ही अबाउट करना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको कैसी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। ऑलराइट, चलो, हाँ बिल्कुल सही, ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। चलो, तो इसका ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ मैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इसलिए लेके चला है ताकि आपको ये एक सिंगल क्वाड्रेटिक कैसे कैसे चेंजेस अडॉप्ट कर रही है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो समझ में आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आई थिंक आपको याद हो गया है, ऐसा ग्राफ होता है। अब अगर मैंने पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर मॉड लगा दिया, पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर मॉड लगा दिया तो क्या होगा, बस ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें अफेक्ट दिखेगा आपको, बाकी जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी को वो पॉजिटिव कर देता है। तो जहां पर ये माइनस वन बन रहा था अब ये प्लस वन बनने लग जाएगा। ठीक है, तो अब उसका ग्राफ देखो कैसा आएगा, ये जो रेड से दिख रहा है ना आपको, जो पॉजिटिव पोर्शन था वो तो वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, क्लियर है, नीचे वाले चीजें ऊपर भेज दो तो ये हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का ग्राफ हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो मॉड भी आसानी है, मॉड में भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये फीलिंग लाना ज़रूरी है कि मॉड पूरे के पूरे एफ एक्स पे लगा हुआ है, और एफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स के ऊपर मॉड लगा है, मतलब वो जो क्वांटिटी y की पहले बन रही थी, y की क्वांटिटी कहाँ नेगेटिव बन रही थी, वो रीजन अब क्या देने लग जाएगा, पॉजिटिव देने लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। वैसे ही और एक देखते हैं, चलो ऑल राइट तो अंकित आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और एक देखते हैं, अगर मैंने मॉड अंदर लगा दिया तो क्या करना है। तो यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर मैंने मॉड एक्स के ऊपर लगा दिया है तो अब एफ को कभी भी नेगेटिव तो क्वांटिटी मिल ही नहीं पाएगी, हम डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो डालेंगे माइनस वन इसके अंदर, हम डालेंगे माइनस टू इसके अंदर, लेकिन मॉड उसको क्या बना देगा, प्लस वन प्लस टू बना देगा, तो एफ को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने माइनस वन इनपुट देना चाहा था। क्लियर है, ऑल दो उसका माइनस वन पे कुछ मन होगा आउटपुट देने का, क्लियर है, एफ ऑफ माइनस वन होता होगा कुछ, लेकिन अब अगर उसको मिलेगा ही नहीं कभी माइनस वन, तो माइनस वन वाला जो आउटपुट वो सोच रहा था मैं आउटपुट जनरेट करके दूंगा, वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा, वो हर बार कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा, जो पॉजिटिव के लिए करता आया है वही जनरेट करेगा। ठीक है, जो भी आउटपुट पॉजिटिव पे आपको दिख रहा है, नेगेटिव पे भी एग्जैक्टली वही आउटपुट दिखेगा, और एग्जैक्टली नेगेटिव पे जो करना चाह रहा था वो तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या बोला यहां पे, कीप ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला जो आपका पोर्शन होगा वो नेगेटिव इनपुट वाला पोर्शन है ना, तो वो तो बनेगा ही नहीं अब, क्लियर है, इनफैक्ट उधर वाला पोर्शन जो है वो भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल पोर्शन जो राइट में है उसको तो वैसा रखना ही है, क्लियर है। ऑलराइट, तो फिर से एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर से सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ऑलराइट, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ कैसा है, ऐसा है, याद हो गया है अभी सबको, वन और थ्री उसके रूट्स हैं। मैंने क्या किया, नेक्स्ट हर एक्स के ऊपर, हर एक्स के ऊपर मॉड लगा दिया। अगर मैंने हर x के ऊपर मॉड लगा दिया तो ये क्या बन गया, f ऑफ मॉड x बन गया कि नहीं, ठीक है, f ऑफ मॉड x, क्लियर है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी आ रहा है प्लस x के लिए वो तो वैसा ही आता रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ मॉड नहीं भी होता तो वन डालने पे f को वन ही मिल रहा होता, अभी भी वन डालने पे f को वन ही मिल रहा है, टू डालने पे f को टू ही मिल रहा होता, अभी भी f को टू ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला था इसको तो पता भी नहीं चला कि मॉड लगा हुआ है, वो सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि मॉड का आंसर वही आ रहा है, एफ को अगर वही मिला तो एफ वही जनरेट करेगा रिटर्न में। लेकिन अब ये जो निगेटिव वाली पोर्शन है, निगेटिव वाली जो क्वांटिटी है, ये जनरेट ही नहीं हो पाएगी,
क्योंकि एफ को जब माइनस वन मिलेगा तब तो वो बताएगा कि हाँ मुझे ये आउटपुट चाहिए, उसको माइनस वन मिला ही नहीं कभी, लेकिन हमने डाला है माइनस वन, दोनों में डिफरेंस है। तो ग्राफ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन आउटपुट वो नहीं होगा जो नेगेटिव पे एक्सपेक्टेड है, आउटपुट वो होगा जो एक्चुअली पॉजिटिव पे एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? तो आपका जो ग्राफ इस बार बनेगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से बनेगा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलो तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अभिषेक आई थिंक ऑल राइट, योर टारगेट इज जेई मेन्स एज वेल एज ऑल राइट एडवांस, सब कुछ हमारा टारगेट है डेफिनेटली। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आई कि नहीं बात, आपका ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था। ठीक है, ये जो ग्राफ बना राइट साइड में वो तो बनेगा ही, अब लेफ्ट साइड में भी क्या बनेगा जो राइट साइड में बनने वाला था, क्योंकि जब मैंने माइनस वन डाला तो उसको ऐसा लगा कि मैंने प्लस वन डाला है, तो प्लस वन पे क्योंकि उसको जीरो आउटपुट देने की आदत है तो अभी भी वो जीरो ही आउटपुट दे रहा है। जब मैंने माइनस टू डाला तो उसको लगा कि मैंने प्लस टू डाला है, तो प्लस टू पे क्योंकि उसको माइनस वन देने की आदत थी इसलिए अभी फिर से वो माइनस वन ही दे रहा है। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि पूरा ग्राफ बनाओ, उसमें से ये जो पोर्शन है वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला वो हटा दो और जो बच गया पोर्शन उसको लेफ्ट साइड भी ट्रेस कर दो रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ा है। तो हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए बच्चों? हमने टोटल 8 ट्रांसफॉर्मेशन आज सीख लिए हैं और आई थिंक ये सबसे बेसिक वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो आई थिंक इनके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस अब कर सकते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि क्या हमें वाकई आ गया है क्या। तो मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसमें ये जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखे हैं वो अप्लाई करके सोचना है कि फाइनल ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ऑलराइट, चलो तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, वो ग्राफ दिख रहा है सबको। ये ग्राफ कैसा है, माइनस टू और माइनस वन के बीच में कॉन्स्टेंट वैल्यू है कितनी उसकी, वन। ठीक है, उसके बाद माइनस वन और जीरो के बीच में वो रिड्यूस होता है, नीचे आता है। उसके बाद ग्राफ कैसा है, कुछ तो वेवी हो गया ग्राफ, मुझे पता नहीं क्या फंक्शन है, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज एज शोन इन द फिगर, तो आपको क्या ड्रॉ करके बताना है, एफ एक्स प्लस वन, सबसे पहला टारगेट है एफ एक्स प्लस वन ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट जा रही है वन पे जा रही है, मिनिमम हाइट माइनस वन पे जा रही है ना। आई होप आप सबके पास नोटबुक और पेन है, जल्दी से ड्रॉ करते जाओ और मैं यहाँ पर बनाता हूँ, चेक करते जाओ कि आप सही बना रहे हो या नहीं। ऑलराइट, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बनाते जाओ स्टूडेंट्स आप सब भी साथ में, क्योंकि मुझे प्लस वन करना है तो ग्राफ एफ एक्स जैसा ही होगा लेकिन वन यूनिट ऊपर उठा हुआ होगा। ऑलराइट, तो मेरे पास जो मार्किंग्स है वो तो चेंज होने वाली नहीं है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू तक ये ग्राफ होगा, इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अब ये वन के प्लेस में कहाँ जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू टू पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टू आ गया, क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ऊपर चला गया वन यूनिट से। फिर क्या हुआ, फिर नीचे आने वाली लाइन है लेकिन इंस्टेड ऑफ रीचिंग जीरो वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, बस वन तक पहुँच पाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइन जो स्लांट लाइन है वो भी ऊपर चली गई है। ठीक है, और क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा वेव भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वन पर ये पहले जीरो बन रहा था, अब वन पर ये क्या देगा, आपको वन वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनाऊंगा मैं, ऐसा आएगा और इनके बीच में कहीं तो भी ये क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, तो नीचे जाके ये फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइट अटेंड करे इसने टू पर, वो क्या है, वन वाली हाइट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नया ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ऑल दो इतना सुंदर नहीं दिख रहा जैसे ग्राफ हमने पहले देखे थे, लेकिन हम रफ ही बना पाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ रही है बातें सबको, ये क्या है, एफ एक्स प्लस वन बनाया हमें, हमें पता नहीं फंक्शन क्या है लेकिन उसका ग्राफ पता है अगर, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके ये जो मैं पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर दे सकते हो। ऑल राइट, और एक करते हैं, अगर ये आपका ग्राफ है तो टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, टू एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो टू एफ एक्स के ग्राफ में बच्चों क्या ध्यान रखना है, टू मल्टीप्लाई करने से जीरो वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, जहां पर ग्राफ जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलराइट, तो ग्राफ कहां जीरो है, ग्राफ जीरो पे जीरो है, उसके बाद ग्राफ वन पे जीरो है और सॉरी वन पे जीरो है और टू पर भी जीरो है।
ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स पर तो जीरो ही आएगा, लेकिन जहां जहां ग्राफ वन बनने की कोशिश कर रहा था वो टू हो जाएगा, और जहां जहां ग्राफ माइनस वन बनने की कोशिश कर रहा था वहां पर वो माइनस टू भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया सब कुछ। ऑलराइट, चलो तो देखो यहां पर क्या होगा, माइनस टू से माइनस वन के बीच में इंस्टेड ऑफ वन यू विल स्टार्ट गेटिंग टू, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आप टू तक तो आ गए हो, स्ट्रेच कर दिया पूरा पूरा ग्राफ, ठीक है। इस बार आपका ग्राफ एक्चुअली फिर से कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया था तो चेंजेस नहीं हुए थे, स्ट्रेच नहीं हुआ था ग्राफ, जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ऊपर शिफ्ट हो गया था, इस बार स्ट्रेच हुआ है तो ये लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, डेफिनेटली ऐसा आपको लगना चाहिए, ऐसी आपको फील आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां से जो वेव स्ट्रक्चर है वो तो बनने ही वाला है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड रहेगा वो भी, ठीक है। तो आपका वेव जो है ऐसा आएगा, ऊपर जाएगा टू तक, फिर नीचे आएगा, फिर माइनस टू तक जाएगा, और फिर फाइनली टू तक आएगा। तो हमने क्या किया, पूरे को पूरे ग्राफ को टू यूनिट से स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल दीपाली, बिल्कुल सही। ऑलराइट, आई आ रही बातें समझ में, ग्राफ हमारे पास अगर है तो फिर टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो हमने स्ट्रेच कर दिया टू यूनिट से। ऑलराइट, और एक करके देखते हैं, माइनस एफ एक्स अगर करना है तो क्या करना है, माइनस एफ एक्स के लिए याद है सबको क्या करना होता है, ग्राफ को उल्टा कर देना होता है बस, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू बन रही थी उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, जो नेगेटिव लग रही थी उसके आगे भी नेगेटिव लग के वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको बस फ्लिप कर दो तो आपका फाइनल ग्राफ आ जाएगा फॉर माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स। आई होप आप इतनी ही स्पीड से बना पा रहे हो सब ग्राफ, ठीक है, इसलिए हम शॉर्टकट में एक एक स्टेटमेंट भी याद करते चले थे कि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ जब भी टाइम आएगा तब। ऑलराइट, तो माइनस टू से लेके माइनस वन तक ये अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, माइनस वन हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर से वेव नेचर है, लेकिन जो ऊपर वेव था वो अब कैसा हो गया है, नीचे से ऊपर हो गया है। ऑलराइट, ऑलराइट, उल्टा कर देना, बिल्कुल सही। ऑलराइट, और एक देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करना है, इस बार कैसे फ्लिप करेंगे, y एक्सिस के अबाउट करेंगे फ्लिप, क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें माइनस वन डालूंगा तो उसको लगेगा कि प्लस वन आया, और जब प्लस वन डालूंगा तो उसको लगेगा माइनस वन आया, तो सब चीजें क्या कर दी उसने, उल्टी पुल्टी कर दी है ना, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ बच्चों ऐसा हो जाएगा कि इस तरफ से ऐसा कुछ, वहां देखते जा रहा हूं मैं और बनाते जा रहा हूं, ठीक है। ऑल राइट, और थोड़ा सिस्टमैटिक करने की कोशिश करते हैं इसको, ऐसा कुछ, और फिर ये ग्राफ आएगा ऊपर और फिर नीचे, ठीक है, एग्जैक्टली हमने फ्लिप कर दिया अबाउट वाई एक्सिस। ऑल राइट, ऑल राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज जस्ट फ्लिपिंग द ग्राफ एंटायरली अबाउट वाई एक्सिस। ऑल राइट, चलो अब एक और करते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स क्या करना रहेगा, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है, मॉड से डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है, अगर एफ एक्स खुद पॉजिटिव ही है, जो बहुत सारी जगह है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, तो ये चेंज तो होने ही नहीं वाला, मॉड क्या उखाड़ लेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटी नेगेटिव है, अब वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी थैंक्स टू मॉडुलस, क्लियर है। तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कभी भी y x एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऊपर आ गया होता है, ठीक है। तो ये नीचे आएंगी चीजें और ये ऊपर गया और ये फिर से ऊपर आया, तो दिस इंटरेस्टिंग ग्राफ इज ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, जो नीचे था उसको हमने ऊपर कर दिया बस, क्लियर है। और आई थिंक वी डिजर्व वन मोर क्वेश्चन, यहां पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो f ऑफ मॉड एक्स, हालांकि ब्रैकेट बाहर होना चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, f ऑफ मॉड एक्स, क्लियर। तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर, जब इसको मॉड एक्स मिल रहा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी तो इसको इनपुट में मिला ही नहीं, तो ये नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, आउटपुट तो ऐसा जनरेट करेगा जैसे कि उसको क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला है, ठीक है। तो देखो, बना के देखो, आपने नोटबुक में बनाते जाओ, फिर उसके बाद चेक करो यहाँ पे कि आपने सही सोचा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव ही एक्स इनपुट दे रहा हूँ, तो मॉड कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका, इसका मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा, इसका मतलब पॉजिटिव पर तो ये ऐसा ही होगा, जो राइट में रेड पोर्शन है वैसा ही बनेगा, लेकिन जब मैं नेगेटिव डालूंगा तब भी उसको ये लगेगा जैसे पॉजिटिव ही इनपुट आया है। तो काम जो वो हाफ पे कर रहा था, है ना, माइनस वन पे भी क्या काम करेगा, वो जो वन पे कर रहा था, मतलब जीरो जनरेट करेगा,
जीरो पे तो जीरो करेगा ही, है ना, टू पर भी क्या करेगा, माइनस टू पर क्या करेगा, वही काम करेगा जो टू पर कर रहा था, क्लियर है। और बाकी चीज जगह भी बिल्कुल सिमिलर काम करेगा, वो माइनस हाफ पर क्या करेगा, जो हाफ पर कर रहा था, हाफ पर ये वन तक पहुंच रहा था, तो यहां पर भी ये वन तक पहुंचा देगा ग्राफ को, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे, देखो आपका बिल्कुल सेम बना था क्या, यहां से ये ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना है क्या सबका, आ रही बात है समझ में। चलो बढ़े फिर आगे, ये हो गया हमारा एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो एक लास्ट चीज और देखते हैं, एनीवेज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी से इसको देखो। यहां पर अब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करना है आपको, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से करो, है ना। अगर पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद से बनाना चाह रहे हो तो पहले बना लो एंड देन कंपेयर विद द सॉल्यूशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मॉड प्लस टू ड्रॉ करके बताना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मॉड प्लस टू ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां पर सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे मुझे, क्या करने पड़ेंगे, सीरीज ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, तो जाके मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, एक स्टेप में नहीं आएगा इसका आंसर, क्लियर। तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि ये अभी हमने किया है, ठीक है। कैसा आया था, इसमें क्या बना था ग्राफ, माइनस एक्स में, आगे पीछे हो गई थी चीजें, तो बिल्कुल सेम काम करता हूं मैं यहां पे, ये जो लाइन सेगमेंट वाला पोर्शन है वो राइट में चला गया, और जो ये वेव वाला पोर्शन है ये हमारा लेफ्ट में आ गया, ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑलरेडी एक स्टेप हो गई है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आप ड्रॉ कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का मॉड ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑलरेडी इस स्टेप तक आ चुके हैं ना, मतलब इसके ऊपर मॉड लगाना है, इसका जो ग्राफ बन चुका है, अब ओरिजिनल को मत देखो, यहां तक आ चुके हो आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके ऊपर मॉड लगाना है, मतलब ये जो है निगेटिव पोर्शन ये ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, जो निगेटिव में पोर्शन था वो भी अब पॉजिटिव में आ गया है, क्लियर है। ऑलराइट, अब क्या करना चाह रहा है वो, अब एंटायर क्वांटिटी में प्लस टू करवाना चाह रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर, है ना। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है हमारा टू गेट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, टू यूनिट से ऊपर चला जाएगा कि नहीं, टू यूनिट से ऊपर चला जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, जहां जहां पर ये जीरो हो रहा था, कहां कहां हो रहा था, माइनस टू माइनस वन एंड जीरो, वो कहां चले जाएंगे, जीरो वाले पॉइंट्स टू पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहीं वन है, यहां पर कहीं टू है, ऑलराइट, तो ये हमारा बेस लाइन हो जाएगा, ऐसा मान सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एक दूसरे कलर से बना देता हूं यहां पर ग्राफ, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों कि बिल्कुल दिखेगा ऐसा ही, बस दो यूनिट से ऊपर चला गया है ऐसा लगेगा, तो ऐसा कुछ बना सकता हूं मैं, ऐसा कुछ और फिर ऊपर जाके राइट में, ठीक है। तो ये जो ब्लैक से बनाया है मैंने, दिस इज द ग्राफ फॉर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, तो दिस इज द ग्राफ दैट वी विल गेट, राइट। ऑलराइट, आया सबको समझ में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही कर पाएंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑलराइट, एक घंटे से ऊपर हो चुका है। आई होप यू ऑल कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम ऐप बाय यूजिंग द URL tinyurl.com/jelivechat, और जैसे कि आज का लेक्चर होने वाला था, आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर और बहुत कुछ सीखा आपने, ऑलराइट। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली गिव अस अ थम्स अप, इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलेगा टू एक्चुअली क्रीप ब्रिंगिंग यू क्वालिटी कंटेंट अगेन एंड अगेन, ऑलराइट। और जिन लोगों ने अभी तक भी लेक्चर देखने के बाद भी अगर अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ये सब जो इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पर हो रही है आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।